बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू। आज हमारा बुक है इंग्लिश ए, और आपने इंग्लिश ए की बुक खोलनी है जो है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, पेज नंबर 49। ठीक है, सब ने खोल ली, आई होप आप सब ने खोल ली। अब हमारा टॉपिक है माय प्लेमेट। माय मींस मेरा, प्लेमेट मींस मेरे साथ खेलने वाला, प्ले मतलब खेलने वाला मतलब साथी। अब आप फिंगर्स रखेंगे, जस्ट टेक द फिंगर्स ऑन द बुक एंड जस्ट रीड विद मी। आई ऑफन वंडर हाउ इट इज़ दैट ऑन अ रेनी डे अ लिटल बॉय जस्ट लाइक माई सेल्फ कम्स आउट विद मी टू प्ले। मैं अक्सर वंडर हैरान होता हूँ हाउ इट इज़ कि ये कैसे हुआ या ये कैसे होता है दैट ऑन अ रेनी डे कि एक बारिश वाले दिन पे अ लिटल बॉय एक छोटा सा लड़का जस्ट लाइक माई सेल्फ मेरी तरह का, या माई सेल्फ होता है खुद जैसे ही के साथ हिम सेल्फ यूज़ होता है, आई के साथ माई सेल्फ यूज़ होता है, यू के साथ योर सेल्फ यूज़ होता है, दे के साथ देम सेल्फ यूज़ होता है, इन सब के ऑलमोस्ट मीनिंग एक ही होते हैं। इधर चूंकि लिटिल बॉय बात कर रहा है तो आई के बारे में, तो इसलिए हम यहाँ पे आएगा जस्ट लाइक माई सेल्फ। उसने कहा कि एक छोटा लड़का जस्ट लाइक माई सेल्फ मेरी ही तरह का कम्स आउट विद मी टू प्ले, मेरे साथ बाहर आता है खेलने के लिए। ठीक है, और इसके बाद सेकंड स्टैंजा पे आ जाएं आप। एंड वी स्टेप इन ऑल द पर्डल्स व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन। एंड व्हेन वी स्टेप, और जब वो कहता है कि जब मैं इसमें स्टेप करता हूँ यानी उसमें पांव रखता हूँ, इन द पर्डल्स होते हैं लाइक छोटा सा तालाब, जैसे आप अक्सर नोट करो कि बच्चे तो ख़ास तौर पर देखते हैं जब आप लोग बारिश होती है तो बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसमें बच्चे ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगा रहे होते हैं और आप घूमते हैं और छींटे उड़ा रहे होते हैं, तो वो उसको पडल्स कहते हैं। ठीक है, तो उसमें वो कह रहा है कि मैं वैसे करता हूँ बट वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब मैं इधर उधर टाउन में वॉक करता हूँ, बट डू आई स्टैंड द राइट वे अप, लेकिन जब मैं खड़ा होता हूँ, ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, तो वो जो दूसरा वाला बॉय है वो उसकी इमेजिनेशन का कि वो सीधा लेटा होता है नीचे, उसको फील होता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ और वो पानी में लेटा हुआ है। एक्चुअली ये मैं आपको एंड पे बताऊँगी कि वो ये उसकी इमेजिनेशन है जिसके बारे में वो ये कह रहा है कि वो मेरे साथ साथ होता है और वो सिर्फ रेनी डे में ही आता है। अब आगे आ जाए नंबर थर्ड पैराग्राफ पे, स्टैंजा है आई हैव टू ट्रीड अपॉन हिज फीट विच इज़ अ सॉरी साइट विद माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट माई राइट फुट ऑन हिज राइट। अब वो कह रहा है कि आई हैव टू ट्रीड अपॉन हिज फीट, मैं उसके पाँव पर चलता हूँ। अब पाँव पर चलने का मतलब ये है कि क्योंकि उसको उसका साया नज़र आ रहा है तो वो उसको वो कह रहा है कि मुझे उस पर लेफ्ट फुट पर रखता हूँ, राइट पे। नेचुरली आप नोट करो जब आप अपना साया देखोगे तो आपको यही लगेगा कि सामने कोई है, लेकिन उसके सामने चूंकि पानी है तो वो पानी में उसका रिफ्लेक्शन उसको नज़र आता है जिससे वो फील करता है कि ये हमारा ये फील करता है कि ये मेरा एक प्लेमेट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं। आई रियली विश ही हैड टॉक टू मी, ही सीम्स सो वेरी काइंड, फॉर वेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम ही डज द सेम आई फाइंड। उसने कहा है कि जब मैं मेरी विश है कि वो मुझसे बातें करे, ही सीम सो वेरी काइंड, वो बड़ा रहम दिल और लगता है, फॉर वेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, और जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ और स्माइल करता हूँ, ही डज द सेम, वो भी वैसा ही करता है। आई फाइंड का मतलब है कि वो कह रहा है कि मैं उसको ऐसा ही पाता हूँ कि वो स्माइल करता है, क्योंकि मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ तो वो भी हंसता है, मैं उस और वो रहमदिल भी उसको लगता है। लेकिन आगे वो कह रहा है बट आई नेवर हेयर हिज स्पीकिंग, लेकिन मैंने उसकी कभी स्पीकिंग नहीं सुनी, उसको कभी बोलते हुए नहीं सुना, सो श्योरली ही मस्ट बी,
सो श्योरली ही मस्ट बी, वो कह रहे कि मेरा दिल चाहता है कि वो बोले या उसको बोलना चाहिए. इन सम स्ट्रेंज लैंड ऑन द अदर साइड, ऑन नहीं है सॉरी, इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड, दूसरी अजीब सी जगह पर, दूसरी तरफ, जस्ट अपोजिट टू मी, मेरी तरफ, मेरे मुखालिफ. अपोजिट होता है सामने होना, उलट होना, जैसे आप अपोजिट वर्ड्स करते हैं, आप अपोजिट वर्ड्स करते हैं, तो उसी तरह अपोजिट मतलब मुखालिफ सिम्मत पे. उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि वो बोले लेकिन वो बोलता नहीं है. वो इसलिए नहीं बोलता, कि आपको समझ आ रही है, इसलिए कि वहाँ पे वो लेटा हुआ है, क्योंकि उसको वो पानी में नज़र आता है और वो बोल तो नहीं सकता नेचुरली, उसका रिफ्लेक्शन ही आता है ना. रिफ्लेक्शन में आपको बोलता हुआ तो कोई नज़र नहीं आता, आप सिर्फ उसको, उसके एक्शंस देख सकते हैं, उसको चलते हुए देख सकते हैं, आपको लगता है कि आपके पाँव उसके ऊपर हैं, आपको लगता है कि वो लेटा हुआ है, आपको लगता है कि वो काइंड है, आपको लगता है कि वो आपसे बातें करना चाहता है, बट वो एक्चुअली आपका एक रिफ्लेक्शन है और एक इमेजिनेशन है, जिसकी वजह से वो उसको लगता है कि वो मेरा प्लेमेट है और वो सिर्फ पानी ही में उसको नज़र आता है. और उसने स्पेशली पहले पैराग्राफ में ये बताया है कि वो रेनी डे में ही आता है, बिकॉज जब वाटर होता है तो उसको नज़र आता है, अदरवाइज़ वो ड्राई फॉर्म में या ड्राई में नहीं आता. तो अब हम आपको बताते हैं कि इसके राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं. अच्छा, पहले आप देख लें इन इसके वर्ड्स थोड़े से जो मैं आपको बताती हूँ. वंडर, वंडर होता है हैरान होना, ऑफन, अक्सर, लिटल मींस छोटा. वैसे तो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गई होगी. माई सेल्फ खुद, पर्डल्स छोटा तालाब, स्ट्रीट चलना, स्पीकिंग बोलना, स्ट्रेंज अजीब, ऑपोजिट मुखालिफ या मुखालिफ सिम्मत. अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा डिफरेंस क्या होता है पोएम में और एक स्टोरी में. डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड स्टोरी इज़, पोएम्स हैव स्टैंजास, स्टैंजास लाइक इस तरह के स्मॉल पैराग्राफ्स हैं, छोटे छोटे, और दे एंड एट राइमिंग वर्ड्स. अब आप नोट करो कि आप सेकंड लाइन पे आओ, दैट ऑन अ रेनी डे, डे आया है, और फिर फोर्थ लाइन पे आओ, प्ले आया है, डे एंड प्ले, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. उसके बाद सेकेंड स्टैंजास पे आओ, उसमें आया है टाउन एंड डाउन, ठीक है, एंड थर्ड वन इज साइट एंड राइट, नंबर फोर काइंड एंड फाइन, नंबर फाइव बी एंड मी, ठीक है. तो ये चीज़ है और ये दे आर इन इनडायरेक्ट फॉर्म. अब स्टोरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ. स्टोरी हैज़ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, दे आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड दे आर इन डायरेक्ट फॉर्म ऑलवेज, ठीक है. इसका एक एंड होता है, ठीक है, और इसका एक एंड का मॉरल भी होता है स्टोरी का. आज आपकी डायरी है, आप ये देख लें, योर डायरी फॉर द डे इज़ रिवाइज द रीडिंग एंड लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मेक टाइटल पेज ऑफ माई प्लेमेट ऑन इंग्लिश इज नोटबुक, ठीक है, थैंक यू.